जय माता की। नवरात्रि पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग नवरात्रि की पूजा जब घर में करते हैं और स्वयं कर रहे होते हैं, जब किसी वैदिक आचार्य के सानिध्य में कर रहे होते हैं, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें यथावत होती हैं। लेकिन अगर आप स्वयं में कर रहे हैं तो तब पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, शॉर्ट में मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नवरात्रि पूजन की जो विधि है, अगर हम श्रीमद् देवी भागवत की बात देखें तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर पूजा की व्यवस्था जो है अमावस्या के दिन प्रारंभ हो जाती है, और वो बड़ा स्पष्ट यहाँ पर तीसरे स्कंध में बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन है, छठे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है। अमावस्याम तु संप्राप्य संभारम कल्पयेत् छिद्वम हविष्यम चासनम कार्यम एक भुक्तम तु तद्धे। नवरात्रि पूजा स्टार्ट यहां से हो जाती है अमावस्या के दिन से। कहा अमावस्या के दिन आपको एक दिन एक समय में जो है भोजन करना है, रात्रि में भोजन उस दिन त्याज्य होता है, और अमावस्या के दिन ही आप किसी वैदिक ब्राह्मण को आपको क्या करना है, उनको आमंत्रण करना है, अगर आप किसी आचार्य के सानिध्य में कर रहे हैं। और स्वयं कर रहे हैं तो फिर आप उस दिन जैसा भी है, वैसे चौकी का निर्माण है, ये सब उस दिन लिखा हुआ है। रात्रो द्विजान आमंत्र्य देवी तत्तम विशारदाम। और खासकर जब हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हो, किसी वैदिक आचार्य के सानिध्य में कर रहे हो, तब वह आचार्य कैसा होना चाहिए। कहा देवी तत्व विशारदाम, वो माँ भगवती जगदम्बा के विषय में जानने वाला होना चाहिए, माँ की शक्ति का, उस शक्ति का उपासक होना चाहिए। और खासकर जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो सप्तशती लिया गया है, उस सप्तशती का कम से कम पारायण तो कर सके, उस विषय में जानने वाला आचार्य होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो है निर्देश किया गया। अगर आचार्य के सानिध्य में कर रहे हैं तो स्वयं सब कुछ करेंगे ही, तो प्रातः उठ करके और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जैसे आचार्य का निर्देशन हो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। आप घर में खुद कर रहे हैं तो आपको स्नान के पश्चात किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, रात्रि के समय यंत्र का निर्माण है या चौकी का निर्माण है, आप स्वयं जानते हैं, तो उस विषय में तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो आप हमें लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आपको फिर कैसे इन चीजों पर चर्चा हो सके, आप कर सकें, उस पर भी हम लोग आगे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको अपना कलश स्थापन करना है, उसका मुहूर्त है, संकल्प है, वो मैं पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ कैसे कलश स्थापन करना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपको मिल जाएंगे, जो संकल्प है ये आप सब उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आचमन पवित्रकरण आदि करके, भूमि का पूजन है, दीपक प्रज्वलित करके, ये सब करके आपको भगवान गणपति और अंबिका का पूजन करना है। गणेश अंबिका का पूजन कर लिया, फिर कलश स्थापन करना है। कलश में आपको मिट्टी का पात्र, या बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप तांबे का, पीतल का, कांसे का, अष्टधातु, तो ऐसे पात्रों को प्रयोग में लें, उसका कलश आपको बनाना है। कलश में थोड़ा रोली, चावल, सुपारी, पंच रत्न या फिर कुछ सिक्के, इस प्रकार से आप डाल करके कलश को स्थापन कर लें। उसमें जमीन में सप्त धान्य आदि जो होता है चौ, उसको बो लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। कुछ लोग अलग से कलश रखते हैं और अलग से जौ बोते हैं, ऐसा नहीं होता है, कलश के नीचे ही आपको जौ बोने होते हैं, ठीक है ना। पंच पल्लव, और कुछ ना मिले तो पान जो आम के पत्ते हैं उसको स्थापित करें, एक चावल का भर करके एक पात्र उसमें रख दें, और फिर ऊपर से नारियल श्रीफल, लाल कपड़ा लपेट के, ना हो तो चुन्नी लपेट लो और ना हो तो मौली लपेट, इस प्रकार से उसको रख देना चाहिए। फिर उसकी प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए उस कलश का, और फिर उसका यथोपचार पूजन करना चाहिए, जो भी आपके पास सामग्री, कंद, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा, तांबूल पत्र, फिर प्रणाम करके आपको कलश पूजन आपका संपन्न हो जाता है। उसके बाद आप माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करें, जो भी सांगोपांग विधि से श्री सूक्त कनक धारा, उससे अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कनक धारा, श्री सूक्त, इसके लिए भी हमने अलग अलग कार्यक्रम में आपको जानकारी दी है, तो आप उसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है आप पाठ करें, पाठ में किस प्रकार का पाठ है, आप देवी सूक्त का पाठ कर लें, रहस्यों का पाठ कर लें, या देवी कवच का पाठ कर लें, ऐसे आप अलग अलग पाठ में भी कर सकते हैं। और नहीं है तो आप पूरा सप्तशती पाठ अगर आपको आता है तो आप खुद कर लें, और नहीं आप कर सकते तो किसी विद्वान से, पूजन आप घर में कर लें, पाठ उनके सानिध्य में कर लें, और या फिर किसी को संकल्प दे के पाठ करवा लें, तो जैसी भी व्यवस्था है वो उस व्यवस्थाओं के आधार पर आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो आप हमें अध्यात्म ज्योतिष पर संपर्क कर सकते हैं, हम उसके लिए भी आपकी कुछ व्यवस्था हो सके तो वो भी करवाने का प्रयास करेंगे।